आज हम मन के नियम जानेंगे। शायद ही आपने देखा या सुना होगा कि मन के कुछ नियम होते हैं। हाँ, मन के नियम होते हैं। मन के नियम जानने से पहले मन असल में क्या है और वो कैसे कार्य करता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप मन क्या है और वो कैसे कार्य करता है ये समझ नहीं लेते, तब तक आप मन पर विजय हासिल नहीं कर सकते, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। संसार का सर्वाधिक कठिन कार्य मन पर काबू पाना है। एक बार आपका मन आपके काबू में आया तो हर कार्य, हर सपना तथा इच्छा आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। मैं जो आज आपको बता रहा हूँ वो साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, प्राकृतिक सत्य, नीति शास्त्र तथा सॉक्रेट्स जैसे कई विचारवंतों और मेरे कई सालों के अभ्यास तथा अनुभव का निचोड़ है। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें और हमेशा के लिए ये जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान है आपके लिए। मन पानी यानी जल की तरह होकर जल के भांति ही कार्य करता है। जिस तरह बेरंग पानी में जो रंग डालोगे वैसा ही रंग उस पानी का हो जाता है। पानी को गर्म करोगे तो वह गर्म होगा, ठंडा करोगे तो वह ठंडा होगा। फ्रिज में रखोगे तो बर्फ बनेगा, फ्रिज के बाहर रखोगे तो फिर से नॉर्मल एक वाटर हो जाएगा। उसे गटर में डालोगे तो गंदा हो जाएगा और उसमें परफ्यूम डालोगे तो उसकी खुशबू आएगी। ग्लास में डालोगे तो ग्लास का आकार और प्लेट में डालोगे तो प्लेट का शेप वो लेगा। पानी बूंद बूंद टपकता भी है, गिरता भी है, उछलता भी है, तेजी से बहता भी है और शांत भी रहता है। वह प्रलय भी लाता है और प्रलय को शांत भी करता है। ठीक ऐसा ही मन है और पानी की तरह ही वह बेरंग होकर पानी की तरह कार्य करता है। समंदर से निकले हुए पानी के प्रवाह को जब तक रोका नहीं जाता तब तक वह बहता रहता है। ठीक वैसे ही मन बहता रहता है और उसे शांत करने के लिए उसके प्रवाह में रुकावट पैदा करनी पड़ती है। मन जल से भी निश्चल, वायु से भी गतिशील और प्रकाश से भी तेज है। आप मन की तुलना वायु से भी कर सकते हो। जिस तरह वायु का अस्तित्व है किंतु उसे केवल महसूस कर सकते किंतु देख नहीं सकते, और वह कहीं भी, कैसे भी और कहां से भी अपनी जगह बना लेता है, वैसे ही मन अपनी जगह बना लेता है। मनुष्य आत्मा, मन और शरीर, इन तीन चीजों से बना हुआ है। आत्मा स्थिर, मन चंचल और शरीर स्थूल है। आत्मा पवित्र, मन विकारी और शरीर नाशवंत है। मन का अस्तित्व तब तक है जब तक शरीर में जान है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, भेद, क्लेश, नकारात्मक ऊर्जा और प्रदोष वृत्ति आदि विकारों से बना हुआ एक महाजाल है, जो संसार का सबसे बड़ा और सर्वाधिक कठिन जटिल जाल है। अक्सर आप कहते हैं कि यह दुनिया मायावी है, किंतु प्रकृति या दुनिया मायावी नहीं। असल में माया आपके हर एक मनुष्य के मन में है। आपका मन मायावी है, इसलिए यह संसार मायावी दिखाई देता है। मन विकारों से बुना हुआ षड्यंत्र युक्त मायावी ऐसा महाजाल है जिसे आप जितने मन के ही माध्यम से आप काटते जाओगे उतने ही गहराई में आप फंसते जाओगे। समझाता हूँ। अगर आपने एक विकार पर विजय हासिल किया तो अन्य दूसरे विकारों से घिरे जाओगे। जैसे क्रोध पर आपने काबू पिया तो लोभ या अहंकार या अन्य कोई विकार आपको घेर लेगा। लोभ और अहंकार इन विकारों पर विजय हासिल की तो क्रोध, मोह या वासना से घेरे जाओगे। मन के इस जाल या चक्रव्यूह से भगवान सॉक्रेट्स और आचार्य चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध महान विचारवंत या तत्वज्ञानी भी नहीं बच पाए। मन सर्वाधिक शक्तिशाली बुद्धिमान है। मन के आगे
ज्ञानी भी व्यक्ति नहीं टिक सकता, वो चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, मन सबसे बड़ा षड्यंत्र और राजकारणी है। उसके राजकारण के आगे कोई नहीं टिक सकता। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, संसार के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति भी हो, फिर भी वो आपको मृत्यु तक बेवकूफ बनाए रखता है। चालाक है मन, उसे जीतना अच्छे अच्छे लोगों की बस की बात नहीं है। इस संसार में जो भी जितना भी ज्ञान है, मनुष्य ने मन के द्वारा, मन की सहायता से रचाया हुआ ज्ञान है, जो कि झूठ है, मिथ्या है। मन अपने आप में ज्ञान का महासागर है। जब से मनधारी मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से, यानी हजारों सालों से, दिन ब दिन ज्ञान बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। और इस ज्ञान का अंत केवल स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ध्यान के माध्यम से ही कर सकता है। जैसे कि गौतम बुद्ध जो स्थित प्रज्ञ होकर ध्यान के माध्यम से मन पर विजय हासिल किया। मन को मन के द्वारा नहीं जीता जा सकता है, मन की सहायता से मन को जीतना असंभव है। मन को केवल ध्यान के माध्यम से जीता जा सकता है। मन को कंट्रोल करने के लिए आपने कई किताबें पढ़ी हैं, YouTube पर सैकड़ों वीडियो देखे और सुने हैं, फिर भी आप पूरी तरह आज तक मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब इसका कारण क्या है? और ये कारण जानने के लिए हमें अब मन के नियम को जानना होगा, मन के नियम को समझना होगा। तो अब हम मन के नियम को जानते हैं। पहला नियम, मन का प्रवाह बुराई की ओर अधिक होता है। यह मन का पहला नियम है। मन का प्रवाह बुराई की ओर अधिक होना, यह मन का पहला नियम है। इसलिए संसार में बुराई तेजी से बढ़ रही है। सत्कर्म और सद्गुण केवल मनुष्य के बातों में और किताबों में है, और अंदर से दुर्गुणी होकर अधिकतर मनुष्य दुष्कर्म करता है। दूसरा नियम यह है कि मन नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। मनुष्य 100 में से 80% विषयों पर नकारात्मक विचार करता है। नकारात्मक विचार यानी ऐसे विचार जिन विचारों के पश्चात मनुष्य को एक तो क्रोध, निराशा, दुख या डर होता है। तीसरा नियम है मनुष्य को सदैव भ्रमित करते रहना। यह मन का तीसरा नियम है कि मनुष्य को सदैव भ्रमित करते रहना। यह मन का तीसरा नियम है। लिया हुआ निर्णय पूरी तरह से सही है या गलत, उचित या अनुचित है, फायदेमंद या नुकसानदायी, इसका योग्य उचित निर्णय करना भी मनुष्य को कठिन हो जाता है। और इसी कारण मनुष्य अक्सर कहता है कि सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। इसी कारण मनुष्य से गलत गलतियां और गलत फहमे अधिक होती है। मन का चौथा नियम है प्रदोष वृत्ति। प्रदोष वृत्ति मन का नियम है। अब प्रदोष वृत्ति यानी क्या? तो सदैव किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या घटना में दोष निकालने की मन की वृत्ति या स्वभाव यानी प्रदोष वृत्ति। आप किसी में दोष निकालते हैं या कोई आप में दोष निकालता है तो आपको क्रोध आता है, और क्रोध दुख का मूल जन्मदाता है। इस तरह मन अपने इस नियम के माध्यम से मनुष्य को दुखी रखता है। पांचवा नियम है विचार करना या सोचना। निरंतर विचार करते रहना, सोचते रहना
यह मन का मूल नियम है। बिना मन के मनुष्य विचार नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, ये ध्यान रखिए। आप देखिए, आप सुबह से रात सोने तक विचार करते रहते हो, सोचते रहते हो, किसी ना किसी विषय पर आप विचार करते रहते हो, सोचते रहते हो। लगातार आपकी सोचने की क्रिया सुबह से रात सोने तक शुरू रहती है। आप अपने विचारों को या सोचने की क्रिया को एक मिनट भी नहीं रोक सकते। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देखिए, एक मिनट के लिए आप मन में बिल्कुल विचार न करने की कोशिश करें, प्रयास करें। मन 2400 घंटे सैकड़ों विषय पर विचार करता रहता है। उनमें से 70% विषय आपको दुख, चिंता, डर प्रदान करते रहते हैं। मतलब उन विचारों से जो 70% विचार है वो नकारात्मक विचार होते हैं, जो आपको दुख देते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, डर देते रहते, डराते रहते हैं, चिंता प्रदान करते हैं। विचार करना या सोचना यानी मन ही मन में बात करना, और अगर आप मन ही मन में बात करना बंद करते हैं तो आप मन पर निश्चित ही विजय पाओगे। यही मन पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम उपाय है, और ध्यान में हम यही करते हैं। जब आप ध्यान करते तो क्या करते हैं, किसी वस्तु, विषय या अपने अंतर्गत शरीर के किसी अवयव या सांस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और जब आप उस समय किसी या अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करते रहते हो तब आपकी विचारों की जो क्रिया है वो रुक जाती है। आखिरी जो छठवां जो मन का मूल या जटिल नियम है, वो नियम है कि विकारों के माध्यम से यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार आदि विकारों के माध्यम से मनुष्य को दुख देते रहना, यह मन का मूल नियम है। ऐसा कोई दिन आपको याद है जिस दिन आपने गुस्सा, लालच, अहंकार या घमंड बिल्कुल नहीं किया हो? यह नामुमकिन है। हर दिन आप इन विकारों के माध्यम से अपने आप को दुखी रखते हो। गुस्से पर कंट्रोल किया तो लोभ आपको सताता है, लालच आपको सताती है, और अगर लालच या क्रोध पर आप काबू पाते हो तो अहंकार आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है। अर्थात एक से निकलते हो तो दूसरों में फंस जाते हो, और यही एक विकारों के माध्यम से मन का मनुष्य को दुखी रखने का एक षड्यंत्र है। तो इस तरह हमने ये जो 6 नियम देखे, जो कि मन के 6 नियम हैं, और इसी या इन्हीं नियमों के कारणवश मनुष्य दुखी रहता है, असंतुष्ट रहता है, उसके जीवन में शांति नहीं रहती। तो अगर आप इस ज्ञान को समेट कर इस पर कार्य करें तो अवश्य ही आप सुख, शांति, संतुष्टि और समृद्धि आसानी से पा पाओगे, और दुख, चिंता, डर, समस्या, संकट, बीमारियों से मुक्त हो जाओगे।